हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम सोशल के पेपर सॉल्व करेंगे। 2019 का ये पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ एथनियन डेमोक्रेसी। एथनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। ऑल द फ्री मैंस एंड वुमेन्स अबाउट 30 ईयर्स ऑफ एज वर रिकॉग्नाइज्ड एज फुल सिटीजन। 30 से अधिक उम्र के सभी पुरुष और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, या फिर ऑल सिटीजन्स वर एक्सेप्टेड टू सर्व इन आर्मी एंड नेवी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, या फिर ऑल द सिटीजन्स अटेंडेड असेंबलीज दैट वर हेल्ड ऑन डिसाइडिंग अपॉन मैटर। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं के सभी नागरिक उपस्थित होते थे, या फिर अपॉइंटमेंट फॉर मेनी पोजिशन वर मेड थ्रू लॉटरी। कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से होती थी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ये क्या थी? एथनियन की विशेषता नहीं थी, और बाकी ये जो तीन है ये विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज समुद्रगुप्त पॉलिसी स्पेसिफाइड टूवर्ड्स द रूलर्स ऑफ दक्षिणपथ। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणपथ शासकों के लिए थी। तो देखते हैं ऑप्शंस, देयर किंगडम्स वर अपरूटेड एंड मेड अप पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त इम्पीरियल। उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया, या दे सबमिटेड टू समुद्रगुप्त एंड ऑफर्ड डॉटर्स इन मैरिज। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। दे बॉट ट्रिब्यूट फॉलोड हिज अंडरस्टैंड एंड अटेंडेंट हिज कोर्ट। वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे, या फिर दे सरेंडर अबाउट बीइंग डिफेक्टेड एंड दे वर अलाउड टू रूल अगेन। उन्होंने हार स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दी गई। तो सेकंड इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सेकंड का फोर्थ, उन्होंने हार स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इसलिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर एक बार रीड करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, इसमें आर्ट है और नॉमेनक्लेचर है, कलारूप और नामावली। तो देखते हैं हम, आर्ट टेक्निक दैट इनेबल मेकिंग ऑफ इमेजेस दैट लुक रियल। कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, उसे क्या कहते हैं? ऑयल पेंटिंग, फिर पेंटिंग शोइंग इंडियन लैंडस्केप एस क्वांटेड एंड अनएक्सप्लोर्टेड लैंड। तो इसका सही आंसर है पिक्चर स्क्वायर। चित्रकारी जिससे भारतीय भू दृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, क्या कहते थे? नयन भी राम। पेंटिंग डिस्प्लेइंग लेविश लाइफस्टाइल वेल्थ एंड स्टेटस ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, उस पेंटिंग को क्या कहते थे? पोर्ट्रेचर। और पेंटिंग डिस्पाइटिंग सीन्स फ्रॉम ब्रिटिश इम्पीरियल हिस्ट्री एंड विक्ट्रीज, तो हिस्ट्री पेंटिंग। ये कौन सा ऑप्शन इसका सही है? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द लेट 18th सेंचुरी द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे मद्रास एंड बंगाल डेवलप्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग पोस्ट। 18वीं शताब्दी में अंतिम चरण में बम्बई मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंस का
विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? तो कौन कौन से व्यापारिक केंद्र थे? सूरत, मद्रास और कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट द महायान बुद्धिज्म एंड चूज द करेक्ट आंसर। ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम स्टेटमेंट देखते हैं कौन सा बौद्ध के महायान के बारे में सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन दिस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म बुद्धा प्रेजेंस इन स्कल्पचर्स वॉज शोइंग यूजिंग सर्टन आइडियाज। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्ति में दिखाई गई है, या फिर द बिलीफ इन बुद्धिसत्व इमर्ज्ड विथ द कमिंग ऑफ महायान बुद्धिज्म। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्धिसत्व के विकास समाहित हुए। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। तो आंसर सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी स्टेटमेंट दे रखा है, ये स्टेटमेंट है मल्हवारी और रायतीवारी राजस्व प्रणाली के संदर्भ में। तो इनके इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द महलवारी वॉज डिवाइज्ड फॉर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी वाइल द रेटवारी वॉज डिवाइज्ड फ्रॉम ब्रिटिश टेरिटरीज इन साउथ। महलवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के में उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए नियुक्ति थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। या महलवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी का को अदा करता था, जबकि रैयतवारी के किसान के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। ये दो अलग अलग सिस्टम्स के बारे में बता रहा है। फर्स्ट सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। द टॉम्ब ऑफ सूफी संत इज नॉन एस। सूफी संत के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? तो सभी जानते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दरगाह। नेक्स्ट 38, द डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्ट देव वॉज प्रोपोंडेड इन 11th सेंचुरी बाय। तो रामानुज के द्वारा विशिष्टत्व का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, कंसाइडर द स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन दीवानी अदालत इस्टेब्लिश्ड इन 1772 इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट आंसर। भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इट वॉज अ क्रिमिनल कोर्ट, यह एक फौजदारी अदालत थी, या फिर इट वॉज अ प्रेसिडेंटेड ओवर बाय द यूरोपियन एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो इसका सही आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन गलत है और सेकंड सही। तो 39 का सही आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40, गैरिसन टाउन रेफर्स टू। गैरिसन नगर से अभिप्राय है। लैंड एसेंट टू अ सिटी डेट सप्लाइज गुड्स टू इट।
नगर में लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है, या फिर ए फोर्टिफुल सेटलमेंट विथ सोल्जर्स, किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, या प्लेस वेयर गुड फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्शन सेंटर्स आर सोल्ड, वह स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है, या फिर ए टाउन ऑन अ टोटल ट्रेडिंग पोर्ट, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन नगर। तो गैरिसन टाउन क्या होता है? किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? गैरिसन टाउन। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। एक असर्शन दिया है, अभिकथन दिया है। इट विल बी अ 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM इन लंदन। जब लंदन के अपहरण के 2 बजते हैं तो भारत में अपहरण के का समय होगा 7:30 बजे। क्या टाइम होगा? इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट टू ग्रीनविच इन 8:30 to 30 minutes। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 32 degrees and 30 minutes पूर्व में स्थित है। तो दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। तो कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है? ए ट्रू बट फॉल्स, देखते हैं। बोथ एंड आर ट्रू, दोनों सही हैं। कौन सा ऑप्शन? थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसाइडर द स्टेटमेंट ए बी सी ऑन टाइम जोन एंड चूज द करेक्ट आंसर। समय क्षेत्र में दिए गए ए बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड एंड सो दे अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, या फिर द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 time zones ऑफ 1 hour each। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, या ईच टाइम जोन कवर्स 15 degrees ऑफ लॉन्गिट्यूड। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 degrees देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर लेयर बिगनिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों को सही क्रम का चयन कीजिए। तो ये सभी ने याद किया होगा, 5 layers होते हैं। सबसे ऊपर होता है ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। फिर उसके नीचे बायोस्फीयर, ऐसे बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो ये लेयर आपको याद होनी चाहिए। सही स्टेटमेंट क्या होगा? सेकंड। सही आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार आप ये अर्थ के लेयर्स को ज़रूर पढ़ के जाए, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर इन लेयर्स में क्या क्या एग्जिस्ट करता है ये भी पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीजन ऑकर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ऋतुएं निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? तो ऋतुएं कैसे, किस कारण से होती? पृथ्वी की परिक्रमा से, एक ही अक्ष पर परिक्रमा की वजह से होती है। थर्ड ऑप्शन, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, इसकी वजह से ऋतुएं सीजन चेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर कॉन्स्टिट्यूटेंट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेज। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है?
तो कौन सा है सबसे ज़्यादा परसेंटेज में, क्या है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओशन करंट्स आर करेक्ट? महानगरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हाइट लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों में से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न आकांक्षाओं की ओर ले जाती है, या फिर लैब्राडोर इज अ वार्म करंट, लैब्राडोर एक गर्म धारा है, एरियाज फॉर वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड वर्ल्ड्स बेस्ट फिशिंग ग्राउंड। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट सही है और सेकंड, बी तो बिल्कुल गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। द डिस्पोजिशनल फीचर्स ऑफ अ ग्लेशियर इज कॉल्ड, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हिमोड, मोरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें भी एक स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट रीड करते हैं। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द हायर लैटिट्यूड 50 डिग्री टू 70 डिग्री ऑफ नॉर्थन हेमिस्फीयर। वह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध में उच्च आकांक्षों 50 डिग्री में पाई जाती है। इट इज़ कॉल्ड अ टाइगा, टैगा, इसे टैगा के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी जगह है वो? कॉनिफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन, इसे टैगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? नहीं पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो देखते हैं, ऑक्स ब्लो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया, मैदानी क्षेत्र में ऑक्स ब्लो लेक चिन्हित है, सही है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्लेन एरिया इज़ वेरी हाई, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक होती है, सही है भी। द डेल्टा एरिया इज़ कवर्ड विथ मैंग्रोव फॉरेस्ट, डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आवर्षित है। हमने तीन स्टेटमेंट पढ़े, तीनों सही है, तो लास्ट ऑप्शन गलत होगा। फिर भी एक बार इसे रीड कर लेते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ पार्टिसिपेट इन द एरिया फॉर लैंड कल्टिवेशन, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और धनन कृषि की जाती है। तो नहीं, ये क्या है, नहीं पूछा है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। स्विमर्स कैन फ्लोट इन अ डेड सी बिकॉज, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं। हमें सभी को पता है डेड सी में कोई भी चीज़ें डूबती नहीं है, वो ऊपर ही तैरती रहती हैं। तो ये ऐसा किस वजह से होता है? तो हमें रीज़न बताना है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें सॉल्ट की मात्रा अधिक होती है और सागर को, सी को ये बहुत डेंस बनाता है। लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है, इसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से कोई भी चीज़ डूबती नहीं है, सब फ्लोट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट लैंड यूज एंड चूज द करेक्ट आंसर।
भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है, लैंड यूज रेफर टू यूज ऑफ लैंड एक्सक्लूसिवली फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। भूमि उपयोग में आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। या बी, लैंड यूज इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय इट्स टोपोग्राफी। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। तो दोनों बातें गलत हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर रॉन्ग, तो बोथ एंड वी आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेल्टर बेल्ट्स हेल्प इन, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, चेकिंग विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में, या रिटेनिंग सॉइल मॉइस्चर मृदा में नमी बनाए रखने में, या स्लोविंग डाउन द फ्लो ऑफ वाटर ओवर सॉइल, मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में, या प्रिवेंटिंग गुलेस एंड हैंस फर्दर सॉइल लॉस, अवनालिकाओं को बनाने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। तो शेल्टर बेल्ट्स क्या में हेल्प करते हैं, विंड मोमेंट को रोकने में और सॉइल कवर को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। तो टाइम, कुछ क्वेश्चंस आप याद कर लीजिएगा या फिर एनसीईआरटी से रीड कर लीजिएगा, तो सारे क्वेश्चंस उसमें दे रखे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है, एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्स, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीनीकरणीय संसाधन और अनवीनीकरणीय संसाधन, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, यूबीक्वेट्स एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। तो इसका सही आंसर होगा लास्ट, यूबीक्वेट्स एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ डाइवर्स सोसाइटी इज करेक्ट, विविध समाज के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखते हैं, इट वुड हैव अ डिफरेंस एंड इनइक्वलिटीज इन लैंग्वेज रिलीजन्स एंड कल्चर, वह समाज जिसमें भाषा धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानता पाई जाती है, या इट वुड हैव डिफरेंस इन कल्चर एंड पावर, जिसमें संस्कृति और सत्ता में भिन्नताएं मिलती हो, या थर्ड, इट वुड हैव सिमिलैरिटीज ऑफ लैंग्वेज रिलीजन एंड कल्चर, जिसमें भाषा धर्म संस्कृति में समानताएं होती हो, या इट वुड हैव डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज इन लैंग्वेज कल्चर एंड रीजन, जिसमें भाषा संस्कृति धर्म में भिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हैं। तो लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डाइवर्सिटी सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देता है। तो देखते हैं, फर्स्ट, वुमेन्स आर वेरी इमोशनल, महिलाएं बहुत भावुक होती है। वुमेन आर फैशन कॉन्शियस, महिलाएं फैशन परस्त होती है। या वुमेन आर रिस्पॉन्सिबल बस ड्राइवर, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती है। या वुमेन्स आर नर्चरिंग, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती है। तो
जेंडर स्टीरियोटाइप कौन सा बता रहा है कि महिला वाहन चालक बहुत जिम्मेवार वाहन चालक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोज्ड द मेन डिमांड ऑफ सरफ्रागेट्स, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मांग मुख्य है? राइट टू वोट फॉर वुमन, महिलाओं के लिए मताधिकार, राइट टू ब्यूरोक्रेटिक रोल्स फॉर वुमन, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, या फिर एडल्ट फ्रेंचाइजीज फॉर प्रॉपर्टीड वुमन, धनी महिलाओं के लिए व्यस्त मताधिकार, या एडल्ट फ्रेंचाइजीज फॉर वर्किंग क्लास, श्रम वर्ग के लिए व्यस्त मताधिकार। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, राइट टू वोट फॉर वुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जातकास इज करेक्ट, जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दिस वर कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षु द्वारा लिखा गया और इनका संकलन किया गया, या फिर दिस वर कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय जैन मॉन्क्स, इनकी रचना समान लोगों के द्वारा की गई जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया, या फिर दिस वर कंपोज्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क, रिटन एंड प्रिजर्व्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा इनका संकलन किया गया, या फोर्थ ऑप्शन, दिस वर कंपोज्ड बाय जैन मॉन्क्स, रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तो सही ऑप्शन है फर्स्ट, ये रचना लोगों द्वारा लिखी गई और बौद्ध भिक्षु, ये रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आपने पढ़ी होगी जताकों की कहानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईने अकबर आईने अकबर के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इट वॉज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द 3-volume हिस्ट्री ऑफ अकबर, रीजन टाइटल अकबरनामा, यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है, या इनमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है, या ये मर्ज हकीम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक था, या फोर्थ, या अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न संख्यायिकी विवरण प्रस्तुत करता है। तो दिने आईने अकबरी के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन फोर्थ सही है, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग कंपाइल्ड द कंपोजिशन ऑफ बाबा गुरु नानक इन गुरुमुखी, आल्सो एडिंग हिज ऑन कंपोजिशन टू, निम्नलिखित में से किसने अपनी कलाकृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? तो सही ऑप्शन है इसका सेकंड, गुरु अंगद देव। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें से पूछा जा सकता है कि सिखों के फर्स्ट गुरु कौन से हैं? तो फर्स्ट गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61। कंसिडर लिस्ट ए एंड बी। ए हैज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ रूलर एम्प्लॉयमेंट और बी हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ लोन्स टेकन। तो ए में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं और बी विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। तो ए ऋण, ए एग्रीकल्चर वर्कर्स, तो एग्रीकल्चर वर्कर्स क्या के लिए लोन ले सकते हैं। हेल्थ एंड ऑफ सीजन कंजप्शन, कृषि श्रमिक, स्वास्थ्य और बेमौसम उपयोग, फिर लार्ज फार्मर क्या लेंगे, गवर्नमेंट लोन्स फॉर एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट, बड़ा किसान क्या लेगा, कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण ऋण, फिर मिडिल फार्मर क्या के लिए लोन लेगा, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और सीड्स के लिए। तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द ट्रेंडिंग अरेंजमेंट बिटवीन अ वीवर एंड मर्चेंट अंडर द पुटिंग आउट सिस्टम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है। या सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूती कपड़ा खरीदा जाता है और बेचा ऊंची बोली पर जाता है, या सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है, या सौदागर द्वारा सूती की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर को कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। थॉट करेक्ट है, बाकी सारी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। कंसिडर द स्टेटमेंट ए टू ई, दे जम्प दे फ्रॉम जम्बल लिंक्स इन अ चैन ऑफ मार्केट वेयर कैचअप रीचस कस्टमर। तो देखते हैं, सोना ऑर्डर कैचअप फ्रॉम अ नेबरहुड शॉप, फिर फार्मर बाय टोमेटो सीड्स फ्रॉम अ लोकल ट्रेडर, होलसेल मर्चेंट बिड्स फॉर टोमेटोस इन वेजिटेबल मंडी, या स्मॉल सिटी बेस्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट बाय टोमेटोस, या मार्केटिंग कंपनी सप्लाई स्केचअप्स टू स्टोर। तो ये आप भी अरेंज कर सकते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले किसान जाएगा स्थानीय मार्केट, टमाटर के बीज लेकर के आएगा, फिर थोक विक्रेता व्यापारी को सब्जी मंडी से टमाटरों की बोली लगाएगा। पहले किसान टमाटर के बीज लेगा, उसे उगाएगा, फिर वो सब्जी मंडी में बेचेगा, फिर वो व्यापारी बोली लगाएगा। सबसे पहले किसान टमाटर खरीदता, टमाटर के बीज खरीदता है स्थानीय व्यापारी से, फिर थोक मंडी व्यापारी सब्जी मंडी से टमाटरों की बोली लगाता है, फिर उसके बाद एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधिकारिक इकाई टमाटरों की खरीदी करता है, फिर विपणन करने वाली कंपनी भंडारण को केचप की आपूर्ति करती है, उसके बाद सोना अपने पड़ोस की दुकान से टमाटर का केचप खरीदता है, ऑर्डर करता है। तो ये है इसके सही विकल्प, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। अकॉर्डिंग टू द एपिलेटिव सिस्टम, ए पर्सन
dissatisfied with the verdict given by the court of a district judge could appeal to which of the following court? कोई व्यक्ति जिला जज के न्याय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस पर अपील कर सकता है? तो किस पर वो अपील कर सकता है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का न्यायालय सर्वोच्च होता है, तो उच्च न्यायालय पे वो कंप्लेन कर सकता है, हाई कोर्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी सदस्य हो वह सरकार बना सकती है, या लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज ट्रू। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आर द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। बी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 66। रीड द स्टेटमेंट बिलो। द इंडियन स्टेट हैज़ मेनी चेक्स एंड बैलेंस टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर। सत्ता के दुरुपयोग को रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथनों में से भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शंस देखते हैं। इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट, भारतीय केंद्रीय सरकार, इंडियन ब्यूरोक्रेसी, भारतीय अधिकारी तंत्र, एनी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी राज्य सरकार, या द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। अब क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री फोकस अपॉन। इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? ए कॉन्सेप्ट ऑफ प्लूरल रिप्रेजेंटेशन एंड बिल्डिंग अ सेंस ऑफ हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी, बहु प्रदर्शनों की कल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, या बी इनकरेज स्टूडेंट टू इमेजिन लिविंग इन द पास्ट एंड रिलेट टू द एक्सपीरियंसेस। विद्यार्थी को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। तो सही आंसर हो जाएगा दोनों ही हिस्ट्री के टीचर के लिए जरूरी है। तो बोथ एंड ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। टू ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर फॉल्स। आइडेंटिफाई दिस स्टेटमेंट। इसमें से निम्नलिखित दिए गए कथन में से दो गलत हैं, इन्हें पहचाने। नेचुरल एंड फिजिकल बेसिस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी कैन बी यूज इन सोशल साइंस ऑल्सो। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। द टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेज हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वैल्यू एजुकेशन ओनली। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। या फोर सी द मेन सेम मैथोलॉजी कैन बी यूज टू टीच डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं। द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस कंसर्न मोर विथ इन्वॉल्वमेंट विथ कॉम्प्लेक्सिटीज रैदर देन इंफॉर्मेशन। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं को जूझना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी गलत है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। अ सोशल साइंस टीचर शुड एम टुवर्ड्स। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? फर्स्ट रोट मेमोराइजेशन, कंठस्थ कराना, या बिल्डिंग परस्पेक्टिव, संक्षेप महत्व का निर्माण कराना, या सिलेबस कंप्लीशन, पाठ्यक्रम को पूरा कराना, या पाठ्यचर्चा को पूरा कराना, या पासिंग द एग्ज़ाम, परीक्षा उत्तीर्ण कराना। तो मेन एक सोशल टीचर का लक्ष्य होना चाहिए बिल्डिंग
प्रस्पेक्टस, सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना। 70 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच हैव बीन कंसिडर्ड वाइल डेवलपिंग सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? ए लर्निंग थ्रू यूज ऑफ कॉन्सर्ट एग्जाम्पल एंड एक्सपीरियंसेस, प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों को सीखना, या लर्निंग टूवर्ड्स रिटेंशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डेटा, तथ्य और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ओनली लर्निंग विथ एक्सपीरियंसेस, विद द कॉन्सर्ट एग्जाम्पल एंड एक्सपीरियंसेस, तो ओनली ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट साइंस, सोशल साइंस। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? ए मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन विल लीड्स टू कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, जानकारी के स्मरण करने से अवधारणात्मक विश्वास विकास होता है, या द स्टेटस ऑफ फैक्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड, तथ्य और स्तर सदैव निश्चित होते हैं। तो ना तो ए सही है ना ही बी, या तो ए और बी में से कोई भी सही नहीं है, नाइदर ए नॉर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सेंसिटिंग स्टूडेंट टूवर्ड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वुड बी। वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कराना अभ्यास कौन सा है? ऑप्शंस देखते हैं, रीड अबाउट द रिवेलेंट पॉलिसीज, संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, प्रिपेयरिंग अ प्ले ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना, ऑब्जर्विंग वाइल्ड लाइफ वीक एट स्कूल, विद्यालय में वन जीवन सप्ताह को मनाना, या प्लेजिंग नॉट टू बाय एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट, पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदना। तो बेस्ट ऑप्शन लास्ट वन है। अगर हम पशु आधारित पदार्थों को नहीं खरीदेंगे, उत्पादों को नहीं खरीदेंगे, तो पशुओं का शोषण नहीं होगा, पशु को कोई भी काट के उसका प्रोडक्ट नहीं बनाएगा और ना ही उसे एनिमल अब्यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ एन ओपन बुक इवैल्यूएशन, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है, स्टूडेंट नीड नॉट फील द बर्डन टू रोट मेमोराइज ऑल फैक्ट एंड डिटेल्स। विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होता। खुली किताब के यही फायदे होते हैं कि विद्यार्थी को कोई भी चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी, रटने का उसके अंदर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। बाकी सारे ऑप्शन ओपन बुक से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट क्लोजर टास्क आफ्टर द टीचिंग ऑफ द थीम द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। क्षेत्रीय संस्कृति के निर्माण विषय में शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? ए स्मॉल ग्रुप प्रोजेक्ट, छोटे समूह की परियोजनाएं, डांस परफॉर्मेंस बाय एन एक्सपर्ट विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, क्विज कॉम्पिटिशन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, या कोलाज मेकिंग, समुचित चित्र कोलाज बनाना। तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, ए सी एंड डी? ये तीन ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो ये है थर्ड ऑप्शन। डांस परफॉर्मेंस से तो कुछ होगा नहीं, एक्सपर्ट्स के द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दे दी जाएगी और बस वो चले जाएंगे। बाकी ये तीन काम करने से मेकिंग ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इमेजिन यू हैव इनहर्टेड अ किंगडम, हाउ वुड यू मेक योर किंगडम स्टेबल एंड प्रोस्पेरस। कल्पना कीजिए कि आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बनाना सकेंगे।
In context of the above question, as the teacher, which skill would you emphasize upon while assessing the स्टूडेंट? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थी को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? कंपेयरिंग एक्सपीरियंसेस, अनुभवों की तुलना, एबिलिटी टू एनालाइज, विश्लेषण करने की क्षमता, इन्फर एंड एक्सट्रापोलेट फ्रॉम सिचुएशन, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष, एबिलिटी टू रीजन, तर्क करने की क्षमता। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? इन्फर एंड एक्सट्रापोलेट फ्रॉम सिचुएशन, परिस्थितियों से अनुमान एवं निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रिस्पेक्टफुल वे टू इंट्रोड्यूस द थीम आदिवासीज वुड बी। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। फर्स्ट, पोर्ट्रेटिंग देम एज अ रिच एंड पावरफुल फॉरेस्ट पीपल। उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, या शोकेसिंग देयर कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, या स्क्रीनिंग अ ट्राइबल सॉन्ग एंड डांस, जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना, डिस्कसिंग देयर प्रिमिटिव एंड रुस्टिक पास्ट, उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, पोर्ट्रेटिंग देम एज अ रिच एंड पावरफुल फॉरेस्ट पीपल, उन्हें सम्मान और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइल टीचिंग कंट्रोवर्शनल इश्यूज इन सोशल साइंस क्लास यू शुड जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए। समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। यदि योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। या फोर्थ, विद्यार्थियों को पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, सही योजना पर सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78, द टीचिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ शुड फोकस ऑन। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का बिंदु केंद्र होना चाहिए। राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, मूलभूत संस्थानों का सिद्धांतों का अध्ययन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए और बी दोनों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, While planning a small group of activities with student, which of the following should be emphasized? विद्यार्थियों के साथ छोटे समूह में योजना को बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? To create a challenging task, एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना। To teach student to work together, विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना। या to select group thoughtfully, समूहों का विचारपूर्वक चयन करना। या कंप्लीशन ऑफ टास्क, सिर्फ कार्य को पूरा कराना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ए भी सही तरीका है, बी और सी। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द स्टडी ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है पहले कथन पढ़ते हैं। हेल्प्स इन सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ इश्यूज, समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। बी, स्टूडेंट विल ग्रो अप फाइंड आउट फॉर देमसेल्फ, विद्यार्थी बड़े होकर और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। सी, फोकस शुड बी ऑन सब्जेक्ट डिटेल्स रादर देन अंडरस्टैंडिंग, समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए। या बिल्डिंग सेंसिटिविटी एंड क्यूरियोसिटी एज मच एज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। तो ऑप्शन ए और डी करेक्ट है, तो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द राइटिंग ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड एज प्राइमरी सोर्स। निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता? तो किसके स्रोत को नहीं माना जा सकता? मुजफ्फर आलम।
फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स वुड बी रॉन्ग टू यूज इफ यू हैव टू इंट्रोड्यूस एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट, केव पेंटिंग, गुफा चित्रकारी, मिनिएचर पेंटिंग, लघु चित्रकारी, इंस्क्रिप्शन, शिलालेख या मनुस्क्रिप्ट, हस्तलिपिया। इसका सही ऑप्शन है मिनिएचर पेंटिंग। गलत होगा मिनिएचर पेंटिंग करना। फिर सेकंड क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ सोशल साइंस टीचर क्रिटिकली एड्रेस्ड वाइल डिस्कसिंग द थीम। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील या समता के मुद्दे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, दोनों के मुद्दे पे ये डिस्कस कर सकते हैं। ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस फ्यू मोर रीजन डेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न। भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन में उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे। तो ऑप्शंस देखते हैं। वर्गीकरण करना, सामान्यीकरण करना, परिणाम निकालना या परिकल्पना करना। तो सही ऑप्शन होगा परिकल्पना करना, हिपोथेसिसिंग। 85 क्वेश्चन नंबर। टू फैमिलराइज स्टूडेंट विथ द थीम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ विच वुड बी द बेस्ट पेडागॉजिकल मैथड। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य विषय वस्तु, वन जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विषय विधि क्या होगी। फर्स्ट, विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, स्क्रीनिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन थीम या विजिट टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण या इन्वाइटिंग एन एक्सपर्ट फॉर अ लेक्चर, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना या टेक्स्ट बुक रीडिंग एंड डिस्कशन, पाठ्यपुस्तक का पठन एवं चर्चा। तो सही ऑप्शन है विजिट टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन जीव अभयारण्य का भ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86, विच ऑफ द रोल ऑफ कार्टून्स इन अ सोशल साइंस टेक्स्ट बुक। व्हाट इज द रोल ऑफ कार्टून्स इन अ सोशल साइंस टेक्स्ट बुक। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में कार्टून का क्या भूमिका है। तो फर्स्ट, नो रोल एज अ कार्टून आर इमैच्योर, कोई भूमिका नहीं, कार्टून अपरिपक्व है। सेकंड, मेनली यूज्ड एज फिलर सो डैट टेक्स्ट बुक लुक अट्रैक्टिव, भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त इसमें पाठ्यपुस्तक आकर्षित दिखती है। थर्ड, मेक क्लास इंजॉयबल एज सब्जेक्ट इज बोरिंग, कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है। या फोर्थ, रेसिस बेसिक इश्यूज एंड मेक इट्स रिलेटेबल टू स्टूडेंट, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थी को इनमें जोड़ना। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थी को इनसे जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, कंसिडर स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन प्रैक्टिस ऑफ अपार्ट हेल्थ। रंगभेद की प्रथा पर दिए गए ए बी कथनों पर विचार कीजिए। ए, इट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेस बट अलाउ ऑल द राइट टू वोट। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। बी, इट प्रिवेंट
mingling of race but gives equality equitable public facilities to all. यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? दोनों ही गलत है, ए बी दोनों फॉल्स. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 88. हु अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज इलेक्टेड ऑफिसर्स इन ग्राम पंचायत. निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत को चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? सरपंच. गांव में सरपंच के चुनाव भी होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 89. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पटवारी. पटवारी लेखापाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी, सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखाव, एग्जीक्यूटिंग एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स फॉर लैंड डेवलपमेंट, भूमि विभाग के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, या थर्ड प्रिवेंटिंग लैंड डिस्प्यूट्स बाय इन्वेस्टिगेटिंग कंपनीज कंप्लेंट्स, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना, या फोर्थ मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित करना. तो पटवारी का काम, मेन काम क्या होता है? पटवारी का काम होता है लैंड रिकॉर्ड्स को रखना और भूमि का मापन करना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द फंक्शन ऑफ द लोकल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इज करेक्ट. निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य में संदर्भ में सही है? तो फर्स्ट, कमिश्नर ऑफ अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेक्स द डिसाइड द बजट फॉर द ईयर. नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है. सेकेंड, कमिश्नर इज इलेक्टेड बाय वार्ड काउंसलर एंड रिपोर्ट्स टू हिमहर. वार्ड के पार्षद द्वारा आयुक्त चुना जाता है और उसे रिपोर्ट करते हैं. या थर्ड, वार्ड काउंसलर फ्रॉम कमिटीज टू रिसॉल्व इश्यूज ऑफ गवर्नेंस. शासन के मामलों में हाल ही के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं. या फोर्थ, वार्ड काउंसलर आर हेडेड बाय द सरपंच. वार्ड पार्षद परिपार्षदों का सरपंच मुखिया होता है. तो सही ऑप्शन है थर्ड. शासन के मामले में हाल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनाई गई हैं. तो ये हमारा 2019 जुलाई का सोशल का पेपर कंप्लीट हो गया है. अगर आपकी इस पेपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या क्योरीज हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.